isotherms. Isotherms help to mention the horizontal distribution of temperature. Isotherms जो होते हैं वो horizontal distribution of temperature को map के ऊपर या globe के ऊपर mention करने में मदद देते हैं. Isotherms क्या होता है, ये एक lines होती हैं जो कि horizontal distribution of temperature को show करती हैं. These lines join the areas of same temperature on the map. ये जो lines होती हैं ये map के ऊपर same temperature वाले areas को show करता है. These lines are mostly parallel to latitude. ये जो lines होती हैं ये ज़्यादातर latitude की तरफ parallel होती हैं. They are inclined towards equator. ये जो lines होती हैं equator की तरफ होती हैं in summer. Summer में गर्मियों में ये lines जो हैं वो equator यानी खत्ते-इस्तवा की तरफ होती हैं और inclined towards poles in winter. और सर्दियों में कुतुब शुमाली की तरफ होती है. साउथर्न हेमिस्फीयर जो शुमाली हेमिस्फीयर है, द वाटर एरियाज इज लार्ज एज़ कम्पेयर टू ड्राई एरियाज. जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर पानी वाला इलाका ज़्यादा है खुश्की की निस्बत. हैंस इन दिस हेमिस्फीयर, इस वजह से इस हेमिस्फीयर में समर एंड विंटर दीज लाइन्स आर पैरेलल. इस वजह से इस हेमिस्फीयर में ये जो लाइंस होती हैं गर्मियों में और सर्दियों में पैरेलल होती हैं विदाउट एनी प्रोमिनेंट कर्व्स, यानी कोई भी उनमें नुमाया कर्व्स नहीं होती, यानी वो तिरछी नहीं होती, पैरेलल होती हैं.